हाँ जी मूर्ति में, मूर्ति में शंकर को बैठा दिखा है, पद्मासन को दिखा है, मूर्ति में शंकर वाले आत्मा को बैठा दिखाया, पद्मासन में बैठा दिखाया, स्कूल में पद्मासन में पद्मासन पर बैठा दिखाया, जब पद्मासन पर बैठता है तो दोनों उधर के पांव साफ साफ देखने में आते हैं, दोनों पांव साफ साफ देखने में आते हैं, उसको बेहद तक करता है, उसको बेहद में कुछ आता है कैसे बैठे। हाँ जी, दोनों पांव में एक पांव है लेफ्ट और एक पांव है राइट। यस, पांव किसे कहा जाता है? हैं? हाँ, बुद्ध रूपी पांव। जो बुद्ध रूपी पांव है उसमें एक है राइट यस धर्मराज और एक है लेफ्टिस्ट क्या? धर्मराज सिर्फ अच्छी बातों को ही देखता है या खराब बातों को भी देखता है? धर्मराज माने जज, जज अच्छाई को भी देखता है और बुराई को भी देखता है। तो दोनों शीशे की तरह दिखाई दें उसको कहेंगे न्याय। अगर अच्छाई छुपाए ले और बुराई बुराई देखे तो उसे पार्शियलिटी कहेंगे। तो भगवान ऐसी पार्शियलिटी नहीं कर सकता, इसलिए शंकर को जिसमें सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है उसके बुद्ध रूपी पांव दोनों स्पष्ट दिखाई देते हैं। और जो ब्रह्मा बैठता है तो एक ही पांव देखना है। हाँ जी, ब्रह्मा जो बैठता है वो बच्चों की अच्छाई ही देखता था या बच्चों की बुराई भी देखता था? अच्छाई देखता था। धृतराष्ट्र को अपने बच्चों की अच्छाइयाँ ही दिखाई पड़ती थी, दुर्योधन आदि की, दुशासन की, कि कुछ बुराइयाँ भी दिखाई पड़ती थी? अच्छाइयाँ ही देखता रहता था, मोह बस। तो रिजल्ट क्या हुआ है? ये रिजल्ट आया कि नष्ट हो गए। जो सच्चा न्याय नहीं कर सकता है, अन्याय ही करता है, उस अन्याय का एक दिन ध्वंस हो जाता है। उनको शास्त्रों में नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया? धृतराष्ट्र, अंधा, कायमे अंधा, धन पद मान मर्त में भी अंधा। और ऐसे जो मोह अंधकार में डूबते हैं उनको सफलता नहीं मिलती है। और ज्यादा लोग नारिकेल और केला कुछ पूजा करता है उनका विशेषता। जो नारियल है उसका नाम ही है नारियल। रियल है कि रियल नहीं है? है? अरे नारियल रियल है या अनरियल है? है देखने में अनरियल है। जो बाबा ने बोला है शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते, क्योंकि रियलिटी को देख नहीं सकते। वंडरफुल पार्ट है, तुम बच्चे भी नहीं समझ सकते, तो दुनिया वाले क्या समझेंगे? उसको तीन नेत्र होते हैं। कौन कौन से तीन नेत्र? दो नेत्र तो नीचे वाले जो पड़े हुए दिखाई गए हैं और एक नेत्र खड़ा हुआ दिखाया गया है।
तो वो तीन नेत्र कौन कौन है? जो खड़ा हुआ नेत्र है वो है शिव नेत्र, उसको क्या कहते हैं? शिव नेत्र, वो शिव की यादगार है। ऐसी आत्मा जो सदैव खड़ी रहती है, गिरती नहीं है कभी। और दो नेत्र ऐसे हैं जो गिरे हुए दिखाई गए। जब कल्प का अंत होता है तो वो राम और कृष्ण दोनों ही आत्माएं गिर जाती हैं अंत में। इसलिए दो नेत्र, दो आत्मा रूपी नेत्र गिरे हुए दिखाई गए। तो त्रिनेत्री नारियल है, उसमें जटाएं भी दिखाई जाती हैं। काहे की जटाएं हैं? है, अरे जटाएं किस बात की सूचक हैं? ज्ञान की सूचक हैं। वो जटाएं अच्छी तरह से तोड़ने कूटने से पहले उलझी हुई होती हैं या सुलझी हुई अलग अलग होती हैं? उलझी हुई होती हैं। और जब अच्छी तरह कुटाई पिटाई हो जाती है तो अंत में सुलझ जाती हैं। तो तीनों नेत्र जटाओं में होते हैं या अंदर की खोपड़ी में होते हैं? है, खोपड़ी में होते हैं। जब चढ़ाया जाता है नारियल तो जटाओं के साथ चढ़ाते हैं या जटाएं हटाकर चढ़ाते हैं? है, हटा के चढ़ाते हैं। और जटाएं जब हटा के चढ़ाते हैं तो उसे तोड़ के चढ़ाते हैं या सीधा ही सीधा पूरा पूरा चढ़ा देते हैं? तोड़ के चढ़ाते हैं। ये खोपड़ा है जिस खोपड़े में 5,000 वर्ष की सृष्टि समाई हुई है, उसका रहस्य खुलना चाहिए संसार के सामने या नहीं खुलना चाहिए? खुल जाना चाहिए। जब वो रहस्य खुल जाता है तो अंदर से शुद्ध चीज निकलती है। वो खोपड़ा फिर देवियों को या शिव के मंदिर में अर्पण किया जाता है। तो नारियल चढ़ाते हैं और नारियल किसकी यादगार हुई? है, उस पाटधारी की यादगार हुई जो गुप्त पाटधारी है। उसके गुप्त पुरुषार्थ को कोई समझ नहीं सकता है। और दूसरी क्या चढ़ाते हैं? केला। आम है फलों का राजा और केला है फलों की रानी। और वो केला कौन से प्रदेश में ज्यादा पैदा होता है? है, आंध्रा में ज्यादा पैदा होता है। फिर नाम आंध्रा क्यों रखा गया? क्योंकि जो फलों की रानी है लक्ष्मी है। आंध्रा में बहुत कन्याओं माताओं के नाम क्या होते हैं? लक्ष्मी के नाम होते हैं। जो लक्ष्मी सदैव मन बुद्धि से सागर के ही किनारे होती है। कोई और स्टेट है ऐसा जो सागर के किनारे सबसे ज्यादा बसा हुआ हो? है कोई? है कि नहीं? कोई नहीं है। एक आंध्रा ही है जो सागर के किनारे ज्यादा से ज्यादा लंबे एरिया में बसा हुआ है। तो ये मन बुद्धि की बात है।
कोई शरीर से चिपके रहने की बात नहीं है, ये 63 जन्मों का हिसाब किताब है। 63 जन्मों में जो आत्माएं सत्रनेत्री बाप के साथ ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक रहती हैं, मन बुद्धि से रहती हैं और सन्मुख होकर के रहती हैं, वो आत्माएं ही फलों की रानी है। तो ये श्रेष्ठ पुरुषार्थी देवताओं के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, अर्पण किए जाते हैं। और दो पुरिया तो मालूम है, दो पुरिया कौन कौन सी है? ब्रह्मपुरी और हाँ विष्णुपुरी और है शंकरपुरी। शंकर माने सूक्ष्म आकारी देवता, ऐसा सूक्ष्म आकारी देवता जो सदा मनन चिंतन मंथन में लीन रहता है, वो साकारी दुनिया की याद में नहीं रहता। कौन सी दुनिया में रहता है? आकारी दुनिया में रहता है। तो तीनों के ऊपर जिसकी विजय हो, ब्रह्मापुरी से भी बुद्धि उपराम और सोचने करने मनन चिंतन मंथन से भी उपराम और फिर विष्णुपुरी से भी उपराम। विष्णुपुरी सुख की दुनिया है या दुख और शांति की दुनिया है? सुख की दुनिया है। और इच्छा मात्र अविद्या, इसे सुख की दुनिया कहेंगे या सुख दुख दोनों से परे कहेंगे? दोनों से परे कहेंगे। तो ऐसी स्टेज जो बाप की स्टेज है, कौन से बाप की स्टेज? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी शिव बाप की स्टेज है। ऐसे शिव बाप की स्टेज प्राप्त करने वाला शिव समान कहा जाता है और शिव के ना साथ उसे एक का ही नाम जोड़ा जाता है। 33 करोड़ देवताओं में से किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता, राक्षसों में से भी किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता, मनुष्यों से भी किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता। वो न राक्षस बनता है संपन्न स्टेज में, न वो देवता बनता है और न वो मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य बनता है। क्या बन जाता है? है क्या टाइटल मिलता है? अरे भगवान का बच्चा है तो क्या टाइटल मिलता होगा? है भगवान भगवती का टाइटल मिलता है। भगवान आते हैं तो पहले पहले देवता बनाते हैं या भगवान बनाते हैं? भगवान बनाते हैं। धनवान बाप होगा तो अपने बच्चे को धनवान बनावेगा और भगवान क्या बनावेगा? भगवान भगवती बनावेगा। और काशी में शंकर जी को बहन थी, उसका नाम कौड़ी की रश्मि थी, कौड़ी अम्मा। माने जितनी भी कौड़ियां हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कितनी हैं? कौड़ी किसकी यादगार है? कौड़ी और उसके मुकाबले कहा जाता है हीरा।
रोशनी किस में होती है और अंधेरा किस में होता है? हीरे में रोशनी होती है और कौड़ी में अंधेरा होता है। कौड़ी समान जीवन, माने जिसके जीवन में कौड़ियां ही याद आती रहे उसका जीवन हो गया कौड़ी समान, हीरा याद नहीं आता। और जिसके जीवन में हीरे की रोशनी भरी हुई है, कौड़ियों से बुद्धि ऊपर आम हो गई, उसको कहा जाता है हीरे समान जीवन। ये कमल फूल समान जीवन बिताने वालों की बात है, ऐसे नहीं है कि घर गृहस्थ की कौड़ियों को छोड़ करके रहता है। घर गृहस्थ में रहते हुए भी, कौड़ियों के साथ रहते हुए भी बुद्धि ऊपर आम रहे। तो ऐसा पुरुषार्थ करने वाले हीरे समान जीवन वाले होते हैं। और उसे हीरे को याद करने में जो सबसे तीव्रता से आगे जाता है और कम समय में ही जाता है वो कौन है? लास्ट फो फास्ट है नहीं, प्रजापिता तो खुद ही हीरा हुआ। अरे हीरा पत्थर होता है या नहीं होता है? हैं? हीरा भी पत्थर होता है और शिव क्या पत्थर है? हैं? शिव की तुलना हीरे से नहीं करेंगे। वो हीरा बनाने वाला है या खुद हीरा पत्थर है? वो तो बनाने वाला है। तो जो हीरे को याद करने वाला है वो कौन है? सबसे जास्ती याद में तीखा जाता है, लंबे समय की याद का पुरुषार्थ नहीं करता, अल्प समय की ही याद का पुरुषार्थ करता है, वो कौन है? अरे लक्ष्मी वाली आत्मा, लक्ष्मी वाली आत्मा अंत में आएगी एडवांस में, और अंत में आकर के लंबे समय तक याद करेगी या अल्प समय में याद करेगी? है अल्प समय में ही याद करके क्या बन जाएगी? है हीरे समान बन जाएगी, सदैव हीरे का साथ देने वाली बन जाएगी। और इसलिए वो कौड़ियों की अम्मा है, है शरीर जो है वो स्त्री चोला है तो कौड़ी, और पुरुष चोला है तो उसे कौड़ी समान नहीं कहेंगे। कौड़ी की याद में मरेगा तो कौड़ी समान जीवन बनेगा, और हीरो को याद करेगा तो हीरे समान बनेगा। भगवान हीरे में आता है, पत्थर बुद्धि में आता है, और उस पत्थर को हीरा बनाता है, या कौड़ी में भगवान आता है, गुलजार दादी में आता है, या पुरुषतन में आता है? हैं? पुरुषतन में आता है। और शिव के पुत्र कार्तिकेय, शिव का पुत्र कार्तिकेय, हाँ जी, कार्तिकेय का पाठ में कर सके? कर तिक तिक, जो तिक तिक बहुत करता है, क्या करता है? ज्ञान की तिक तिक बहुत करता है, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता है। जो सन्यासी हैं वो ज्ञान की तिक तिक करते हैं 63 जन्म, या कुछ सार की बात बताते हैं, क्या करते हैं? तिक तिक बहुत करते हैं। उन सन्यासियों का मुखिया कौन हुआ? उन सन्यासियों का मुखिया कार्तिक हुआ। और गणेश सन्यासी है
या गृहस्थी है? गृहस्थी है। जो गणेश है वो ज्ञानी है, बाप को फॉलो करने वाला है, प्रवृत्ति मार्ग को फॉलो करने वाला है, और कार्तिक निवृत्ति मार्ग को फॉलो करता है। उत्तर भारत में किसकी पूजा ज्यादा होती है और दक्षिण भारत में किसकी पूजा ज्यादा होती है? कार्तिकेय की पूजा दक्षिण भारत में होती है। दक्षिण भारत है भारत का विदेश। क्या? दक्षिण भारत है भारत का विदेश और उत्तर भारत है स्वदेश। तो ये बाप के दोनों बच्चे हैं, चाहे सन्यासी हैं तो भी बच्चे हैं, अर्थात और धर्मों के हैं या और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, चाहे वो इब्राहिम के धर्म में कन्वर्ट हों, क्राइस्ट के धर्म में कन्वर्ट हों, मोहम्मद के धर्म में या बौद्ध के धर्म में, ये सब सन्यासी हैं या गृहस्थी हैं? प्रवृत्ति मार्ग के हैं, प्रवृत्ति मार्ग को निभाने वाले हैं, नहीं निभाते, ये सब सन्यासी हैं। उन सन्यासियों का हेड कौन है? कार्तिकेय। भगवान बाप के दोनों बच्चे हैं, प्रवृत्ति मार्ग के हैं चाहे निवृत्ति मार्ग के हैं। प्रवृत्ति मार्ग के हैं तो भी बाप के बच्चे हैं और निवृत्ति मार्ग के हैं तो भी बाप के बच्चे हैं। और हाँ जी, कार्तिकेय जो है वो टिक टिक तो करता है, लेकिन जन्म जन्मांतर पवित्रता को ज्यादा पालन करता है या गृहस्थियों के मुकाबले कम पालन करता है? ज्यादा पालन करने वाला है। माना पुरुषार्थी जीवन की यादगार है कौन? कार्तिकेय। वो किस पर सवारी करता है? मोर पर सवारी करता है। मोर आज भी भारत में राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के सिर पर मोर का पंख दिखाते हैं। माना पवित्रता को धारण करने वाला है। ये पवित्रता को धारण करने वाला पुरुषार्थी जीवन में ज्यादा पुरुषार्थ करता है पवित्रता का। कैसे? भक्ति मार्ग में कार्तिकेय को एक दूसरे नाम से भी दिखाया गया है। बताओ। नहीं, वो तो नाम सुब्रमण्यम स्वामी हुआ, लेकिन महाभारत में सबसे बड़े से बड़ा सन्यासी कौन बताया गया? भीष्म पितामह। वो भीष्म पितामह भी है। वो भीष्म पितामह गंगा की औलाद है। किसकी औलाद? गंगा की औलाद है। गंगा की औलाद के रूप में दिखाया गया है। गंगा के किनारे बड़े बड़े मेले लगते हैं, तो किनारे कौन चौकड़ी मार करके ज्यादा बैठते हैं? सन्यासी ज्यादा बैठते हैं। गंगा भी सन्यासियों की माँ है और लक्ष्मी प्रवृत्ति मार्ग वालों की माँ है। दोनों माँ बाप के बच्चे हैं। तो जो कार्तिकेय है या भीष्म पितामह है, वो अपने जीवन में जितनी बुद्धि है, जितनी अकल है, उतना पवित्रता को ज्यादा फॉलो करने के कारण पावरफुल आत्माएं बन जाती है। इसलिए बाबा ने बोला है कि जब सन्यासी निकलेंगे एडवांस ज्ञान में, तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। और है ये सब चूहे ही तो बैठे हुए हैं, जो अंदर ही अंदर जमीन को खोखला कर देते हैं। ब्रह्मा कुमारियों को खोखला कर दिया है या नहीं कर दिया है?
ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारियों में जितने भी ओल्ड ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, उन सब पुराने पुराने स्टूडेंट्स को अंदर ही अंदर खोखला करके ज्ञान में निकाल लिया एडवांस में, तो वो खोखले हो गए। ये किसका काम है? है चूहों का काम है। और गीता में एक श्लोक आया, गीता का श्लोक है, द्विविधा भक्ति श्रद्धा स्नेही नाम सा है। द्विविधा हाँ, श्रद्धा दो प्रकार की होती है, है सात्विकी राजसी तामसा, हाँ, तो तीन प्रकार की हो गई। इसकी और इंस्पिरेटिंग पार्टी, प्लानिंग पार्टी और प्रैक्टिकल पार्टी में कोई संबंध है? हाँ जी, श्रद्धा सात्विकी भी होती है, श्रद्धा राजसी भी होती है और श्रद्धा तामसी भी होती है। श्रद्धा होती है तो दान करते हैं या नहीं करते हैं? मान लो दान ही करते हैं श्रद्धा में, तो जो दान करते हैं उस दान में कुछ लेने की इच्छा नहीं होती, उसको कैसा दान कहेंगे? सात्विक दान कहेंगे। जिस दान में कुछ लेने की इच्छा होती है, मान लो ज्ञान का ही दान दिया और देने वाले की बुद्धि में है इस व्यक्ति को हम दान देंगे तो ये हमें बहुत पैसा देगा, हमको आश्रम बनाने के लिए धन दे देगा, तो लेने की इच्छा हुई, इसको क्या कहेंगे? राजसी इच्छा, राजसी श्रद्धा। और तीसरा है तामसी श्रद्धा। तामसी श्रद्धा के आधार पर जो कुछ दान देने का भी कर्म करते हैं तो उसमें लेने के अलावा दुखदायी बनने का भी प्रबंध कर देते हैं, तो वो हो गई तामसी श्रद्धा। और या देने के बाद फिर वापस ले लिया, तो बाबा क्या कहते हैं? देने के बाद जो वापस लेता है वो क्या बन जाता है? है चांडाल बनता है। तो चांडाल बनना ये सात्विक पद है, राजसी पद है या तामसी पद है? तामसी पद हो गया। और हाँ जी, बृहस्पति माने कौन है? बृहस्त, बृहस्त माने बड़ा, पति माने पतियों का पति, जो बहुत बड़ा पति है। ब्रह्मा कुमारियाँ अगर एडवांस नॉलेज लेती हैं, एडवांस में आ जाती हैं, चंद्रवंश की परंपरा को छोड़ करके सूर्यवंश में आ जाती हैं, तो वो सूर्यवंशी हो गई। अब जो सूर्यवंशी हो गई तो ऊंची हो गई या नीची हो गई? है प्रश्न क्या किया? प्रश्न को रिपीट करो। बृहस्पति कौन है? तो जो ब्रह्मा कुमारियां चंद्रवंश से सूर्यवंशी बन गई, तो उन ब्रह्मा कुमारियों का पति सूर्यवंश में होगा या चंद्रवंश में होगा? है सूर्यवंश में। अच्छा, वो तो रानियां बन गई, और लक्ष्मी को जो फॉलो करने वाली, विजयमाला की हेड को फॉलो करने वाली जो होंगी, वो सब लक्ष्मी समान बनेंगी, रानियां बनेंगी, जन्म जन्मांतर की रानियां बनेंगी। परंतु विजयमाला में जो भी मणके हैं लक्ष्मी को फॉलो करने वाले, वो रानियां, उन रानियों के पति कहाँ से निकलेंगे? एडवांस माने रुद्रमाला से निकलेंगे। तो रुद्रमाला से जो निकलेंगे उनमें जास्ती संख्या
कन्याओं माताओं की होगी, ईश्वरीय ज्ञान को प्रैक्टिकल में धारण करने की, या कुमारों में अदर कुमारों में होगी? कन्याओं माताओं में जास्ती होगी। तो वो कन्याएं होते हुए भी उन विजयमाला के मणकों के पति बनेंगी, बनेंगी या नहीं बनेंगी? बनेंगी, क्योंकि रुद्रमाला के मणके हैं। और जो रुद्रमाला में कन्याएं हैं वो सरेंडर किसको होती है? शिव बाबा को। शिव बाबा जो बृहस्पति के रूप में दिखाया जाता है, वो कहता है, क्या कहता है? मैं तुम्हारे पतियों का भी पति हूं। किससे कहता है? है लक्ष्मी और लक्ष्मी को फॉलो करने वाली रानियों से कहता है। क्या कहता है? मैं तुम्हारे पतियों का भी पति हूं। अब समझा, वो पतियों का भी पति है। जो जन्म जन्मांतर की रानियां बनती हैं, उनके जो पति रुद्रमाला में बनते हैं, उन पतियों का भी पति है। कब बनता है पतियों का पति? कौन से युग में? संगम युग में बनता है। और दृष्टद्युम्न और ध्रुवपद कहते हैं। द्रौपदी कुंड में जब आहुतियां दी गईं तो उस कुंड से एक द्रौपदी का जन्म हुआ, ध्रुवपदी, जिसका पद ध्रुव है। माना कंपिल में जो यादगार बनी हुई है द्रौपदी कुंड की, वहां से द्रौपदी ने जन्म लिया, वो ज्ञान का जन्म लिया या स्थूल कुंड से जन्म लिया? ज्ञान कुंड से जन्म लिया। उस ज्ञान कुंड से जन्म लेने वाली का नाम ध्रुवपदी। किसका पार्ट हुआ वो ध्रुवपदी का पार्ट? किसका है? है छोटी माँ का। वो छोटी माँ वहां से जन्म लेती है कि चंद्रवंश से जन्म लेती है? है हाँ, जगदम्बा का पार्ट है। नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। दुनिया की नजरों में, ब्रह्मा कुमारियों की नजरों में, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों की नजरों में वो हिलती डुलती डूबने वाली नैया दिखाई देती है। लेकिन बाप क्या कहते हैं? वो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि उसका खिवैया कौन है? शिव बाप है। बाप ने जिनको ऐसलम दिया, उन ऐसलम लेने वालों का कल्याण हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं हो सकता। बोला है दिल्ली पर सब धर्म वालों की नजर है और बाप की भी, बाप की भी नजर है। तो बताओ दिल्ली का कल्याण कौन कर पाएगा? सब धर्म वालों ने तो दिल्ली में आकर के खून खराबा किया। दिल्ली जो परिस्थान थी उसको क्या बना दिया? कब्रस्तान बना दिया। बाप आकर दिल्ली को परिस्थान बनाते, इसलिए आज भी दिल्ली का जो बिड़ला मंदिर है उसमें लिखा हुआ है, वो श्लोक भी है जिसमें लिखा है कि धर्मराज ने दिल्ली को परिस्थान बनाया। और आज की मुरली में आप व्यास और विकल्प की बात आई,
आज की मुरली में आम आम और प्याज और विक्रमादित्य बात है। प्याज और विक्रमादित्य विकारों की है। हाँ तो जब आदमी विकार में जाते हैं तो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं ज्ञान की बात है अज्ञानियों की बात है? अज्ञान की बातें हैं, ज्ञानियों की बातें संगम युग की नहीं है। ये बाहर की दुनिया वालों का ज्ञान है या ब्राह्मणों की अंदर की दुनिया का ज्ञान है? हाँ, तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो विकारी बनते हैं वो सोचते हैं कि आज तो पी लें, कल होगा सो देखा जाएगा। उनकी बुद्धि में ये नहीं आता कि आज भी अगर श्रीमत के बरखिलाफ कर्म करेंगे तो गिरेंगे या ऊंचा उठेंगे? गिरेंगे। उसको कहते हैं पी आज, क्या आज तो पी लें, कल होगा सो देखा जाएगा। और अब रामायण में विभीषण का विशेषता क्या है? भी माने विशेष, भीषण माने भयंकर। घर का भेदी भेदिया, सबसे बड़ा भेदिया कौन होता है? है जो घर में रहने वाला भेदिया है वो बड़ा भेदिया होता है, या जो घर में कभी आया ही नहीं वो बड़ा भेद दे सकता है? भेद माना क्या होता है? भेद माना रहस्य। जो धन संपत्ति है वो कहाँ रखी हुई है? वो घर में काम करने वाला जिंदगी भर का जो नौकर होगा वो जानता होगा या बाहर वाले लोग जानते होंगे? हाँ, इस भेद को जो अंदर रहता है वो ही जानता है। तो विशेष भयंकर हो जाता है अगर वो विपरीत चला जाता है। इसलिए अपने जो संबंधी होते हैं उन संबंधियों के साथ विशेष निभा करके रखना चाहिए। जो अपने संबंधियों के साथ ही विशेष निभा करके नहीं रख सका वो बाहर वालों के साथ क्या निभाएगा? अब यहाँ तो है ब्राह्मण परिवार, तो ब्राह्मण परिवार में भी बेसिक में जो बेसिक के संबंधी हैं उनके साथ निभा के रखना चाहिए या उनको लात मार के निकाल देना चाहिए? हैं? निभाना चाहिए। परंतु अगर कोई नहीं निभाते हैं और उनको लात मार के निकाल दिया जाता है तो वो विशेष भयंकर हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं? पांडवों को लात मार के निकाला गया या नहीं निकाला गया? तो कौरवों का विनाश करने वाला कौन निमित्त बना? किसने विनाश किया? पांडवों का नाम बाला हो गया। ऐसे ही रावण के परिवार में जो रावण का भाई था उसको लात मार के निकाल दिया गया। तो ये सब कौन बैठे हुए हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में ये सब कौन बैठे हैं? नंबरवार विभीषण बैठे हुए। इनको राज्य मिलना है भगवान से। और रावण की मृत्यु हुआ था तो रावण की नाभि पर अमृत बाण था, उस पर तीर लगाने के लिए राम संकोच करते थे। राम उसको सीधा तीर लगाने के लिए अच्छा नहीं समझता था, लेकिन वायु पुत्र ने उसको अमृत बाण नाभि की ओर चले दिया। नाभि किसे कहा जाता है?
जो नाभि है पेट में जो नाभि कुंड होता है उस नाभि से 8000 काली रक्त वाहिनियां और 8000 शुद्ध खून की रक्त वाहिनियां आकर के जुड़ती हैं। 16000 नसें नाड़ियों का वहां संगम होता है। ऐसी 16000 नसों नाड़ियों का उद्गम नाभि कुंड से माना जाता है और वो नाभि कुंड किसको दिखाया गया है देवताओं में? नहीं, वो नाभि कुंड ब्रह्मा की नाभि कुंड से विष्णु निकला। क्या दिखाते हैं? ब्रह्मा की नाभि कुंड से विष्णु निकला। फिर दिखाते हैं विष्णु की नाभि कुंड से ब्रह्मा निकला। ये बातें कहाँ की हैं? संगम की बातें हैं। तो ये नाभि कुंड है जहाँ 16000 नसें नाड़ियाँ आकर के इकट्ठी होनी है। ये नाभि कुंड का पार्ट किसका है? विष्णु, वैष्णवी देवी। ये वैष्णवी देवी 16000 नसों नाड़ियों को मिला के एक कर देती है और सूर्य नारायण टेम्पल इनका यादगार है। सूर्य उसको कितने घोड़े दिखाए गए हैं? 7 घोड़े दिखाए गए और उसको रथ भी दिखाते हैं। रथ है का शरीर रूपी रथ, जिस रथ में 7 घोड़े जुड़े हुए हैं। वो कौन से 7 घोड़े हैं? 7 धर्म की 7 आधार मूर्त जो आत्माएं हैं वो 7 घोड़े हैं। 8वां घोड़ा तो वो स्वयं मन रूपी घोड़ा है जो उस रथ में रथी कहा जाता है ब्रह्मा। वो घोड़ा अंदर का है, दिखाने की बात नहीं है। तो ये किसका पार्ट हुआ? सूर्य किसका पार्ट है? और सूर्य ने ये ज्ञान कहाँ से पाया? गीता में लिखा है जब मैं आता हूँ तो किसको ज्ञान देता हूँ? सूर्य को ज्ञान देता हूँ। और सूर्य मनु को ज्ञान देता है। मनु माने मन। तो कौन हुआ सूर्य और कौन हुआ मुख्य घोड़ा और कौन हुआ 7 घोड़े है? सूर्य और चंद्रमा नहीं, मुख्य घोड़ा, मुख्य मन रूपी घोड़ा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा और 7 घोड़े है। हाँ, 7 धर्मों के 7 नारायण। और सूर्य रथ में तो चला रथ चलाने वाले तो लग्न दिखाते हैं, तो सूर्य रथ चलाते हैं दिखाते। वास्तव में सूर्य कौन है और सागर कौन है? सूर्य शिव तो है, सागर सूर्य जो है वो शिव है और सागर है जो पृथ्वी से चिपक के रहता है, सदा काल का प्रवृत्ति मार्ग वाला है। तो जो सागर है वो ही लंगड़ा है। सागर को ब्राह्मण दिखाते हैं या शूद्र दिखाते हैं? है शूद्र है। शूद्र माना लंगड़ा।
हाँ जी, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं, वैसे ही राम और रावण की राशि मिलाते हैं, तो दोनों एक ही हो गए या कुछ अंतर है? अरे कृष्ण जब तमो प्रधान बनता है तो क्या बन जाता है? कृष्ण ही कंस बन जाता है और राम ही रावण बन जाता है। दुनिया की हर आत्मा सतो प्रधान है तो श्रेष्ठ है और तमो प्रधान है तो भ्रष्ट बन जाती है। तो उन सतो प्रधान बनने वालों में और तमो प्रधान बनने वालों में नंबर वन कौन है और नंबर दो कौन है? अरे 500-700 करोड़ पार्ट धारी हैं, वो नंबर वार पार्ट बजाने वाले हैं या एक ही नंबर लेने वाले हैं? तो बताओ 500-700 करोड़ पार्ट धारियों में अब्बल नंबर कौन और द्वयम नंबर कौन? राम वाली आत्मा अब्बल नंबर और कृष्ण वाली आत्मा द्वयम नंबर। और चाहे तमो प्रधानता का पार्ट हो और चाहे सतो प्रधानता का पार्ट हो, पढ़ नहीं पा रहे हैं, चश्मा दूसरा है। हाँ। और हाँ, जनक माना है क्या और अनुजनक माने क्या, राधा माने क्या और अनुराधा माने क्या, जनक माने बाप, अनुजनक माने बाप को फॉलो करने वाला। यज्ञ के आदि में था जनक और वही आत्मा संक्षेत्र में क्या हो गई? अनुजनक। यज्ञ के आदि में थी राधा, वही अंत में क्या बन जाती है? छोटी माँ अनुराधा बन जाती है। और रामायण में कुंभकर्ण क्या करता है? है अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा काम करता है सोने का, अज्ञान नींद में सोता रहता है। तो जो 2500 वर्ष की दुनिया है अज्ञान नींद में सोने वालों की, उस अज्ञान नींद में सोने वालों की दुनिया में बड़े से बड़े अज्ञानी कौन हुए? जो भगवान बाप आता है, भगवान बाप आने पर भी, ब्रह्मा के प्रत्यक्ष होने पर भी वर्षा नहीं ले पाता। गायन भी है भक्ति मार्ग में, ब्रह्मा भी आ जावे तो भी हम उसकी बात नहीं मानेंगे, हम शास्त्रों की ही बात मानेंगे। तो बड़े से बड़े सन्यासी कौन हुए? बड़े से बड़े अज्ञानी कौन हुए? हैं? गृहस्थी हुए या सन्यासी हुए? सन्यासी हुए। बड़े से बड़े अज्ञान नींद में सोने वाले, और वो अज्ञान नींद में सोने वाले सन्यासी लंबे चौड़े हट्टे कट्टे बड़े बलशाली होते हैं या कम बलशाली होते हैं? लुंजुम पुंजुम होते हैं, बहुत बलशाली दिखाई जाते हैं, पहाड़ जैसा शरीर। इसका क्या अर्थ हुआ?
है कि उनकी आत्मा में भक्ति मार्ग में भी बड़ी ताकत होती है। वो कोई भी धर्म वाले से झुकने वाले नहीं होते। जब भगवान आता है तब ही उनको झुकना पड़ता है। और वो सन्यासी जब भगवान के बच्चों से मिलते हैं, भगवान की बातें सुनते हैं, तो भगवान के बच्चे भी विजयी हो जाते हैं। तब तक भगवान के बच्चे भी विजयी नहीं होते। क्या कारण हुआ है, इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण है, भले अज्ञानी है तो भी सच्चाई को फॉलो करने वाले हैं समझने के बाद, या झूठ को फॉलो करने वाले हैं? है, कुंभकर्ण ने भले रावण का साथ दिया परंतु मुख से स्पष्ट कह दिया। क्या कह दिया? कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन भगवान है और कौन भगवान का विरोधी है, रावण को स्पष्ट बता दिया। लेकिन बोला, मैंने असुर कुल में जन्म लिया है, इसलिए जिस कुल में मैंने जन्म लिया है मैं मरते दम तक उस कुल का कल्याण ही करूंगा, बेवफाई नहीं करूंगा, उस कुल का पोषण करूंगा। और अंत तक उसने अपने कुल के लिए निभाया। लेकिन मुख से स्पष्ट बोल दिया कि वो भगवान है और तुम शैतान हो। और है जिसके नख नाखून सूप की तरह बड़े बड़े होते हैं। क्या वैसे असुरों को राक्षसों को सींग दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े सींग दिखाए जाते हैं, तो उसको सींग नहीं है। क्या सींग क्या करता है जानवरों का है? जो जानवरों का सींग है वो बहुत सख्त होता है, टूटता नहीं है टकराने से। ऐसे ही वो जानवर जो हैं, वो जानवर बुद्धि होते हैं, मानवीय बुद्धि नहीं होते। मनुष्य की बुद्धि सोच सकती है कि किस इंद्रिय से क्या काम और कैसा काम करने से किसी को सुख मिल सकता है और कैसा काम करेंगे तो दुखी ही होगा, लेकिन जानवर ये बात सोचेगा नहीं? सोचता है, वो आवेग में आता है और अपना काम कर बैठता है। तो ऐसे ही जो पुरुष हैं वो दुर्योधन दुशासन है, माने असुर हैं। क्यों कहा दुर्योधन दुशासन है? क्योंकि काम विकार के आवेग में आते हैं तो ये नहीं सोचते कि कैसा काम करने से किसी को सुख होगा और दुख होगा, इसलिए जानवर बुद्धि है। परंतु जो स्त्री चोला है, जिस स्त्री चोले में वो सींग तो नहीं है, जो टकरा करके दुख देता है, परंतु क्या है, सींग भले नहीं है लेकिन नाखून तो है। वो नाखून बहुत दुख देते हैं, किसी को सींग लग जाए तो ज्यादा सेप्टिक होगा, या नाखून छोटा सा लग जाए, खून एक बूंद निकल आए
तो सेप्टिक ज्यादा होगा, है नाखून का खून जो है वो तुरंत बड़ा सेप्टिक बन सकता है। तो कोई कोई स्त्रियां हैं, कोई कोई कन्याएं माताएं हैं जो सूपनखा की तरह दुख देने वाली हैं। रावण की बहन है, क्या करती है, प्यार का दिखावा करती है किसी के साथ, और जिसके साथ प्यार का दिखावा करती है, चिकनी चुपड़ी बातें करती है, फिर अगर वो कब्जे में नहीं आता है, उसकी बात नहीं मानता है, तो क्या करती है, तो फिर जाकर के आग लगाती है कि इसने मेरे ऊपर हमला किया, उल्टी बातें सुनाती हैं, उल्टी बातें सुना करके अपने परिवार वालों को दुश्मन बना देती हैं। सूपनखा ने क्या किया, राम के साथ पहले प्रेम का निवेदन किया, और जब असफल हो गई तो रावण के दरबार में क्या जाकर के बोल दिया कि राम ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, तो लड़ाई करवा देती है। जो लड़ाई करवा देती है उनको कहा जाता है सूपनखा। और आंध्र में जहां असली मूर्ति रखी जाती है वहां कमरा बहुत छोटा होता है, ऐसा होता है ना, है आंध्रा में जहां असली मूर्ति रखी जाती है वहां कमरा बहुत छोटा होता है, और वहां तक किसी को पहुंचने नहीं दिया जाता है। ये ठीक बात है, है? अरे ठीक बात है या गलत है, है? अरे अरे आंध्रा में मंदिर नहीं है, मूर्तियां नहीं है क्या? हाँ, तो वहाँ जो मुख्य मूर्ति होती है वो बहुत अंदर और छोटे कमरे में होती है, और वहाँ तक किसी को नहीं पहुँचने देते हैं, बाहर से ही दर्शन कराने देते हैं, उसको गर्भ मंदिर कहते हैं। इसका क्या अर्थ है, है? इसका अर्थ यही है कि जो भगवान का गर्भ होता है उस तक जो मुख्य मुख्य पुजारी हैं वो ही पहुंच सकते हैं। जैसे अष्टदेव, दूसरे उस गर्भगृह तक नहीं पहुंच पाते, दूर से ही नंबरवार दर्शन करते हैं। और तिरुपति के बालाजी के विग्रह हैं, तिरुपति की जो विग्रह है आम को छुपा के उसको नाम लगाते हैं, जो भगवान को नाम लगाते हैं तिलक लगाते हैं, तिरुपति में जो काला विग्रह था उसको तिलक लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, हाँ बड़ा तिलक लगाते हैं, जो दुनिया की दुर्गंध उनको सूंघने में भी ना आवे, और जो दुख की दुनिया है वो देखने में भी ना आवे, वो विश्व की बादशाही जिनको मिलती है वो बाहर की दुनिया को नहीं देखते हैं, विश्व की बादशाही का तिलक उनको ही मिलता है जिनकी बुद्ध रूपी नेत्र बाहर की दुनिया को देखना बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि वो भस्म होने वाली दुनिया है, वो आज दिखाई देती है कल दिखाई ही नहीं देगी, आज उसकी दुर्गंध आती है और कल उसकी दुर्गंध आएगी ही नहीं,
और प्रदक्षिणा मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं। हाँ है, चक्कर काटते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत हैं जो चक्कर काटने वाले पतंगे हैं, भगत। तीन तरह की आत्माएं बताई हैं। एक है आती है और झट स्वाहा हो जाती है। उनको ज्ञानी कहेंगे या भक्त कहेंगे? है, उनको ज्ञानी तो आत्मा कहेंगे, वो भक्त नहीं है, उनकी बात छोड़ दो। जो भक्त हैं वो बार बार आते हैं, भक्ति भी करते हैं, ज्ञान भी लेते हैं, और थोड़ा सा सेक आ गया, थोड़ी सी टांग जल गई, थोड़ी सी मूछ जल गई, और भाग जाते हैं। बार बार आते हैं, बार बार भाग जाते हैं, तो वो हैं चक्कर काटने वाले पतंगे। उनमें भी दो प्रकार के हैं। एक ऐसे हैं जो एक ही बार आते हैं और टांग जल गई, हाथ जल गया, नाक जल गई, कान जल गया, तो भाग गए, तो फिर वापस ही नहीं आते। एक ही चक्कर काटने वाले। और दूसरे जो हैं जो बार बार चक्कर काटते हैं, बार बार भागते हैं, वो कड़क भक्त हैं, हैं भगत, ज्ञानी नहीं है। तो उसकी यादगार में क्या करते हैं? बार बार प्रदक्षिणा करते हैं, जाते हैं फिर आते हैं, फिर जाते हैं फिर आते हैं, ऐसे करते रहते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत बैठे होंगे, है, भट्टी करने के बाद पहले रेगुलर स्टूडेंट बन जाते हैं, फिर सात दिन में एक बार आते हैं जाते हैं, फिर वो भी छोड़ देते, फिर महीने में एक बार आते, फिर वो भी छोड़ देते, फिर नाम मात्र दो महीने में एक बार आते। कोई कोई ऐसे होते हैं वो भी खलास बंद, फिर जब आवाज़ निकलती है थोड़ी थोड़ी इधर उधर, मित्र संबंधी ज़्यादा भागते हैं तो फिर आने लगते हैं। तो आना जाना जाना आना, ये बार बार करना माना प्रदक्षिणा करना।